बाबा हर अमावस की रात मुझे अपने डेरे में बुलाकर मेरे साथ दीदी के पत्र ने सारे राज खोल दिए थे। अब समझ में आया क्यों दीदी ने लिखा था कि जिंदगी में कभी किसी को अपनी कठपुतली मत बनाना और न ही कभी खुद किसी की कठपुतली बनना। लता दीदी की आत्महत्या की खबर ने मुझे अंदर तक हिला दिया था, क्योंकि दीदी कायर कदापि नहीं थी। फिर मुझे एक दिन दीदी का वह पत्र मिला जिसने सारे राज खोल दिए और मुझे परेशानी व असमंजस में डाल दिया कि क्या दीदी की आत्महत्या को मैं यूं ही व्यर्थ जाने दूं। मैं बालकनी में पड़ी कुर्सी पर चुपचाप बैठा था। जाने क्यों मन उदास था, जबकि लता दीदी को गुजरे अब एक माह से अधिक हो गया है। दीदी की याद आती है तो जैसे यादों की बारात मन के लंबे रास्ते पर निकल पड़ती है। जिस दिन यह खबर मिली कि लता ने आत्महत्या कर ली, सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि यह बात सच भी हो सकती है, क्योंकि दीदी कायर कदापि नहीं थी। शादी के बाद उनके पहले 3-4 साल अच्छे बीते। शरद जीजाजी और दीदी दोनों भोपाल में कार्यरत थे। जीजाजी बैंक में सहायक प्रबंधक थे। दीदी शादी के पहले से ही सूचना एवं प्रसार कार्यालय में स्टेनोग्राफर थी। लता दीदी मशहूर लेखिका मालती जोशी की कहानियों की फैन थी। फुर्सत के क्षणों में वे उनकी कहानियां पढ़ा करती थी। एक बार मैं भोपाल गया, मैंने उनकी अलमारी से मालती जोशी की किताब कठपुतली निकाली और पढ़ने लगा। 2 दिन में मैंने कुछ कहानियां पढ़ी। उन कहानियों ने मुझे इतना प्रभावित किया कि ग्वालियर वापस आते समय मैंने दीदी से कहा, शेष कहानियां पढ़कर यह किताब मैं आपको वापस भिजवा दूंगा। नहीं भैया, नहीं, यह मेरी प्रिय किताब है और मैं इसे किसी को भी नहीं देती हूँ, चाहे वह तुम्हारे जीजाजी ही क्यों ना हो, क्योंकि एक बार किसी को किताब दे दो तो वह वापस नहीं मिलती। उन्होंने किताब मेरे हाथ से ले ली और अलमारी में रख दी। जब कभी 2-3 दिन की छुट्टी पड़ती तब वे हमारे यहाँ आ जाते, 2 दिन साथ रहते। उस दौरान हम पार्क में घूमने चले जाते, कभी कोई अच्छी सी फिल्म देख आते। इस प्रकार हंसते खेलते 3-4 साल निकल गए। एक दिन जब मैं दफ्तर से घर आया तो मालूम हुआ दीदी आई हैं। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि वे अपनी सहेली प्रेमलता से मिलने गई हैं। कह रही थी कि उससे कुछ जरूरी काम है। रात करीब 10 बजे वे घर आई। मेरी नज़र उनके चेहरे पर ठहरी तो लगा कि वे कुछ परेशान हैं और उनके चेहरे पर पहले सी खुशी नहीं है। वे सीधे अंदर के कमरे में चली गई। मुझे लगा शायद कपड़े बदलने गई होंगी, लेकिन जब बहुत देर गुजरने पर भी वे ड्राइंग रूम में नहीं आई तब मैं ही अंदर के कमरे में चला गया। वे उदास चेहरा लिए बैठी थी। मैंने पूछा तो बोली, अरे कुछ नहीं भैया, यात्रा करके आई हूँ, उसी की थकान है मुझे। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, दीदी सच कहूँ आप कुछ छिपा रही हैं, लेकिन आज आपका चेहरा आपका साथ नहीं दे रहा। क्या बहन की शादी के बाद एक भाई इस लायक नहीं रह जाता कि वह बहन के मन की बात जान सके? यह सुनते ही वे फफक उठी और एक अविरल अश्रुधारा उनकी आंखों से बहने लगी। अब कुछ बताओगी भी या केवल रोती ही रहोगी? मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, भैया हमारी शादी को अब 5 साल 4 माह हो गए हैं। इस बीच मेरी गोद नहीं भरी, इसी कारण आए दिन घर में विवाद होने लगे हैं। पर इसमें आपका क्या दोष है दीदी? पर भैया मेरी ननंद और सासू जी मुझे ही दोष देती हैं। हो सकता है दीदी दोष जीजाजी में हो, लेकिन इस बात को उनके घर का कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। वे तो यही रट लगाए बैठे हैं कि दोष मुझ में ही है। ठीक है दीदी, मैं आपके साथ भोपाल चलता हूँ और इस बारे में जीजाजी से बात करता हूँ। मैं दीदी के साथ भोपाल गया और आधी रात तक उनसे इसी विषय पर बात करता रहा। वे बोले, देखो भैया मैंने तुम्हारी दीदी से शादी की थी तब मेरा एक सपना था कि मेरे घर में मेरे अपने बच्चे हो। जब मैं शाम को बैंक से घर वापस आऊँ तब वे प्यार से मेरे पैरों में लिपट जाए और अपनी तुतलाती जुबान से मुझे पापा पापा कहे। फिर मैं उनके साथ खेलूं,
उनको हंसते हुए देखूं तो कभी रोते हुए, उनको अपने कंधे पर बैठा कर गार्डन में घुमाने ले जाऊं, मैं उनका अच्छे से पालन पोषण करूं, उन्हें इस योग्य बनाऊं कि जब मैं बुढ़ा हो जाऊं तब वे मेरा सहारा बने, मेरा नाम और वंश आगे चलाए। फिर पंडे पुजारी कहते भी है ना कि जब तक अपना पुत्र पानी नहीं दे तब तक मरने के बाद भी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, तब मेरी यह तमन्ना गलत तो नहीं है ना? जीजाजी ने अपने दिल की बात बताई। जीजाजी, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि जिनको पुत्र नहीं होते उनको मुक्ति नहीं मिलती? पर एक सच आप भी जान लीजिए कि इन पंडे पुजारियों ने ये सारी बातें सिर्फ अपना पेट और जेबें भरने के लिए फैला रखी हैं। जीजाजी, आदमी को मुक्ति मिलती है तो अपने किए कर्मों के आधार पर। मेरे लाख समझाने के बावजूद वे अपनी ही बात पर अड़े रहे। अब मैं वहां रुककर और क्या करता, मैं दुखी होकर वापस घर लौट आया। एक रात करीब 10 बजे दीदी का फोन आया। वे बोली, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद अगले ही दिन रायपुर से मेरी सासू जी ननद के यहाँ भोपाल आई। फिर वे दोनों मेरे घर आई और बोली, देखो लता, पास की पहाड़ी पर एक साधु बाबा का डेरा है, तुम हमारे साथ वहाँ चलो, शायद उनके आशीर्वाद से तुम्हारी गोद भर जाए। मैं उनके साथ वहाँ गई। अब उन्होंने अगली अमावस की रात बुलाया है। खैर, अब उनका स्वभाव और व्यवहार मेरे साथ अजीब सा होता जा रहा है। अब वे दूसरे कमरे में सोने लगे हैं। मैं उससे क्या कहता सिवा इसके कि दीदी थोड़ा सब्र रखो, देखो कुछ दिनों बाद फिर पहले सा सामान्य हो जाएगा। कुछ दिन बीते। इन दिनों में न तो दीदी का फोन आया और न ही कोई चिट्ठी पत्री आई। एक दिन मैंने ही उन्हें फोन किया, फोन दीदी ने ही उठाया। मेरे बार बार पूछने पर वे बोली, भैया उन्होंने अपना तबादला जबलपुर करवा लिया है और अब मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। कहने के लिए यहाँ उनकी बहन और बहनों ही हैं। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। वक्त गुजरता गया और 6 माह बीत गए। एक दिन जीजाजी के बड़े भाई साहब, जो हमारे ही शहर में रहते हैं, बाजार में मिल गए। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि शरद जीजाजी ने जबलपुर में अपने ही बैंक में कार्यरत एक तलाकशुदा महिला से शादी कर ली है। जीजाजी ने दूसरी शादी कर ली। यह सुनते ही लगा जैसे आसमान में कड़कड़ाती हुई एक बिजली चमकी और सीधे मुझ पर आ गिरी हो। मैं स्तब्ध रह गया और सोचने लगा कि यह खबर पाकर दीदी पर क्या गुजरेगी। मैंने रात को फोन पर इस बारे में बात की तो वे बोली, भैया मैं जानती थी कि वे ऐसा ही करेंगे। खैर अब ये बात छोड़ो, अब तुम मेरी चिंता मत करना, अपनी शादी की बात चलाना और कोई अच्छी लड़की मिले तो तत्काल शादी कर लेना। भैया अब मैं किसी तरह से अपनी शेष जिंदगी काट लूंगी। पर दीदी ये अकेलापन, मेरी बात को काटते हुए वे बोली, हाँ भैया अब एक बात ध्यान रखना, मेरा फोन न भी आए तो भी समझ लेना मैं अच्छी हूँ। उन्होंने रोते हुए फोन काट दिया। 2 माह बाद मेरी शादी पक्की हो गई। मेरी शादी में दीदी आई जरूर, लेकिन पूरे समय खामोश रही। शादी पर उन्होंने मुझे जो उपहार दिया उसे मैंने सबसे अधिक अनमोल उपहार मानकर अपनी अलमारी में सहेज कर रख दिया। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए चला गया। वहां से वापसी के तत्काल बाद मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। एक रात करीब 10:30 बजे फोन की घंटी बजी। फोन पुलिस स्टेशन से था। लता नाम की महिला ने यहाँ आत्महत्या कर ली है, आप तत्काल आ जाइए। यह सुनते ही मैं सन्न रह गया। माँ को साथ लेकर मैं भोपाल पहुँचा। दीदी का अंतिम संस्कार मुझे ही करना पड़ा। मैंने अपनी तरफ से जीजाजी को फोन पर सब कुछ बता दिया था, लेकिन वे नहीं आए। दीदी की आत्महत्या के लिए सिर्फ जीजाजी ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने दीदी को जो असंख्य प्रताड़नाएं दी वे कब तक सहती? फिर इस प्रकार का अकेलापन किसी आजन्म कारावास से कम दुखद होता है क्या? पहले जीजाजी का अलग कमरे में सोना, फिर उसके बाद बिना कुछ बताए चुपचाप जबलपुर तबादला करवा लेना और उसके बाद वहां जाकर दूसरी शादी करना। दीदी के साथ ये उनका अक्षम्य अपराध है। मैं केवल उनको ही दीदी का अपराधी मानता हूँ।
मैं यादों के दायरों से बाहर निकला और बिस्तर पर आकर लेट गया। अलका, मेरी पत्नी मायके गई है, इसलिए अकेलापन जैसे मुझे निकलने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। फिर उसमें भी दीदी की यादें, तभी मुझे उनके द्वारा शादी में दिए अनमोल उपहार की याद आई। मैं तेजी के साथ कमरे में गया, अलमारी खोली और उसमें से दीदी का दिया उपहार निकाला। अब मेरे सामने दीदी का दिया सिल्वर पेपर से लिपटा अनमोल उपहार था। मैंने सिल्वर पेपर का आवरण हटाया तो आश्चर्यचकित रह गया। दीदी ने मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी लगने वाली किताब कठपुतली उपहार स्वरूप दी थी। मैंने उस किताब का पहला पृष्ठ पलटा, उस पर दीदी ने अपने हाथ से लिखा था, प्रिय अनमोल भैया को शादी पर एक बहन का अनमोल उपहार। भैया, जिंदगी में कभी किसी को अपनी कठपुतली मत बनाना और न ही कभी खुद किसी की कठपुतली बनना। तुम्हारी दीदी लता। उनके द्वारा लिखे शब्द पढ़कर मैं भाव विभोर हो गया और उसी अवस्था में किताब के अगले पृष्ठ पलटने लगा। तभी उसमें से एक कागज जमीन पर जा गिरा। मैंने उस कागज को उठाकर पढ़ना चालू किया तो मेरी आंखें पथरा सी गई। वह दीदी का पत्र था, सिर्फ मेरे नाम। उन्होंने लिखा था, प्रिय अनमोल भैया, सर्वप्रथम ये पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह याद रखना, इस पत्र द्वारा मैं कुछ सच्चाइयां तुम्हारे सामने लाना चाहती हूँ जिनसे तुम अभी तक अनभिज्ञ हो। भैया, मेरी सासू जी और ननद आए दिन मुझे ताने मारती थी कि अब तुम्हारी शादी हुए 5 साल से अधिक समय हो गया है, अब तो तुम्हारी गोद भरनी ही चाहिए। अड़ोस पड़ोस की महिलाएं और मेरी सहेलियां भी पूछती रहती हैं कि बहू कैसी है, अभी उसे बच्चा हुआ या नहीं। अगर न हुआ हो तो किसी साधु या बाबा के आश्रम में उसे ले जाकर उनका आशीर्वाद दिलवाओ। भैया, ऐसी बातों से मैं आहत तो होती ही थी, उसमें भी ये एक और घटना हो गई। हमारे पास के गंगरा डेजी के यहाँ उनकी बहू की गोद भराई का कार्यक्रम था, मैं भी वहाँ गई थी। एकाएक करके सब स्त्रियाँ गंगराड़े भाभी की गोद भर रही थी। जब मैं उसकी गोद भरने के लिए उठी तो उसने यह कहकर मुझसे गोद भरवाने से इनकार कर दिया कि मैं एक बांझ औरत से अपनी गोद नहीं भरवाऊंगी। उसके मुंह से यह बात सुनकर मेरी हालत तो काटो तो खून नहीं जैसी हो गई। मैं वहां से अपमानित होकर अपने बेडरूम में आकर रोती रही। एक दिन यह बात मैंने अपनी ननद को बताई तो वे बोली, इसमें गलत क्या है, 5 साल से अधिक समय हो गया, इतने सालों में भी तुम्हारी गोद नहीं भरी तो लोग तो तुम्हें बांझ ही कहेंगे ना। भैया, तुम्हें याद होगा एक बार मैंने तुम्हें फोन पर बातचीत के दौरान भोपाल के पास स्थित पहाड़ी पर एक बाबा के डेरे पर जाने की बात कही थी। भैया, पहली बार मैं वहां अपनी सासू जी और ननद के साथ गई थी, तब वे बोली थी उन बाबा का आशीर्वाद पाकर कई स्त्रियों की गोद भर गई है, तुम हमारे साथ चलो, हो सकता है उनके ही आशीर्वाद से कोई चमत्कार हो जाए। वे मुझे पहाड़ी पर स्थित बाबाओं के डेरे पर ले गई। बाबा के डेरे पर एक बड़ा बोर्ड लगा था, टेंशन भगाने वाले बाबा का आश्रम। उसके नीचे लिखा था, यहाँ जड़ी बूटियों से सभी प्रकार की तकलीफों का उपचार किया जाता है। वहाँ बहुत से परेशान पुरुष और महिलाएं बैठे थे। बाबा एक एक करके क्रम से सबको अपने पास बुला रहे थे। जब मेरा नंबर आया तो बाबा बोले, मैं तेरी परेशानी समझ गया हूँ, तेरे साथ कौन आया है। मैंने इशारे से बताया कि मेरी ननद जी मेरे साथ आई हैं। वे मेरी ननद से बोले, बहन, मामला पुराना हो चुका है, समय लगेगा पर फल जरूर मिलेगा, इसे 4 माह तक अमावस की रात्रि में यहाँ लाना, तंत्र मंत्र पूजा पाठ और हवन आदि करने पड़ेंगे, ये सारे काम रात को एकांत में गर्भगृह में होते हैं। फिर उन्होंने मेरे गले में एक ताबीज बांधा और ननद से कहा, अब तुम इसे अमावस की रात को यहाँ लाना। बाबा के कहे अनुसार मैं ननद के साथ 3 माह तक अमावस की रात पहाड़ी पर बाबा के डेरे पर जाती रही। चौथी अमावस की रात जब हम बाबा के डेरे पर पहुँचे तब बाबा मेरी ननद से बोले, बहन,
आज रात 11 बजे गर्भगृह में विशेष तांत्रिक महापूजा में इसको बैठाया जाएगा। चूंकि ये तंत्र क्रिया एकांत में ही की जाती है, इसलिए तुम चाहो तो घर चली जाओ और रात 1 बजे के बाद इसे अपने साथ ले जाना। उनके कहने पर ननन जी घर चली गई। उसके बाद वे बाबा लोग मुझे एक अंधियारे गर्भगृह में ले गए और उन्होंने मुझे एक हवन कुंड के सामने बैठा दिया। फिर उन्होंने कुछ देर तक जोर जोर से मंत्रोच्चार किया। उसके बाद बाबा बोले, अब तुम एक एक करके अपने बदन से वस्त्र उतारो और इस हवन कुंड में डालती जाओ। मैंने वस्त्र उतारने से साफ इनकार कर दिया। तब पीछे से एक साधु बाबा ने मेरे हाथ पकड़े और दूसरे ने मेरे साथ जबरदस्ती करना चालू कर दिया। मैं जोर जोर से चिल्लाई भी, लेकिन शहर से दूर पहाड़ी पर मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। उस रात मैं उनके दुराचार का शिकार हो गई। वे दुराचार करने के बाद मुझे पहाड़ी से नीचे फेंकना चाहते थे, लेकिन बहुत संघर्ष कर कि मैं वहाँ से जान बचाकर भाग आई। भैया, दुराचार का शिकार होने के बाद मैं तत्काल आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन उस स्थिति में मेरी सासू जी और ननंद मुझे ही अपराधी मानती, इसलिए मैं जान बचाकर घर आई। जब मैंने यह घटना अपनी ननंद को बताई तब वे बोली, मुझे क्या पता था कि वह तुम्हारे साथ ऐसा होगा। हम लोग तो यही चाहते हैं कि तुम्हारी गोद भर जाए और हमारे भैया को उनका वंश चलाने वाला मिल जाए। जब मेरी सासू जी को इस घटना के बारे में मालूम पड़ा तब वे बोली, लगता है मेरे नसीब में मेरे मरने के बाद भी मुझे पानी देने वाला नहीं है। भैया, अब तुम ही बताओ, ऐसी मेली जिंदगी जीकर मैं क्या करूं? तुम्हारे जीजाजी ने मेरे जीवन में जो अकेलापन भर दिया है उससे मैं तंग आ चुकी हूं, इसलिए सोचती हूं कि आत्महत्या कर लूं। भैया, याद रखना, ये पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसलिए इसका जिक्र कभी किसी से मत करना, पुलिस से भी नहीं, तुम्हारी दीदी लता। पत्र पढ़ने के बाद मेरे मन में यह बात पक्की हो गई कि दीदी की मौत के लिए सिर्फ जीजाजी दोषी हैं। अब दिल तो यही करता है कि दीदी का यह पत्र पुलिस को सौंप कर जीजाजी और तथाकथित झूठे बाबाओं को उनके किए की सजा दिलवाऊं। लेकिन दीदी के पत्र में लिखे शब्दों का सम्मान भी मुझे रखना है कि भैया, याद रखना, ये पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसका जिक्र तुम कभी किसी से ना करना, पुलिस से भी नहीं। मैं परेशान हूँ और असमंजस में पड़ा हूँ कि क्या करूँ। क्या दीदी की आत्महत्या को यूँ ही व्यर्थ जाने दूँ? शायद इसी स्थिति को इंसान की बेबसी कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन